हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका टी वाई एकेडमी पर। मैं दिगंबर सिंह आज आपके लेकर आया हूँ आरसीटी। आरसीटी में आज आप पढ़ोगे न्यूट्रल एक्सेस आप कैसे ज्ञात करते हो। यदि आपको सवाल दिया हो पेपर में, मान लो आपको सवाल कुछ इस तरह से दे दिया है, आपसे बोलेगा एक बीम है, बीम का क्रॉस सेक्शन ये दिया है, बीम का क्रॉस सेक्शन कैसे दिया। मान लो इसकी उसने चौड़ाई दे दी 200 mm, और उसने कहा इसकी जो डेप्थ है इफेक्टिव डेप्थ वो है इसकी 400 mm। अब इसमें कहेगा, इसमें यहाँ पर उसने स्टील प्रोवाइड किया है, स्टील प्रोवाइड उसने किया कितना करा है, वो कहेगा मान लो इसमें आपने चार सरिया जो है आपने 16 mm की 16 mm डाया की आप प्रोवाइड कर रहे हो। तो वो कहेगा कंक्रीट में, आपको बताएगा कि कंक्रीट में परमिसिबल स्ट्रेस का मान कितना होगा, या बताएगा कि जो आप कंक्रीट से जो बना है ये किस ग्रेड की कंक्रीट है। मान लो उसने दे दिया है इसमें आप जो है M20 की कंक्रीट यूज करोगे, वो कह रहा है इसमें जो आप स्टील या सरिया जो प्रोवाइड करे हो वो सरिया आपका Fe 250 का है। यानी Fe 250 का आप सरिया प्रोवाइड कर रहे हो, सरिया का जो है चार सरिया है 16 mm डाया की, आपका क्रॉस सेक्शन दे दिया आपने इतना है। तो आपको ज्ञात करना है इस सेक्शन की न्यूट्रल एक्सिस कहाँ जाएगी। ये सेक्शन आपका, अब न्यूट्रल एक्सिस आपकी दो प्रकार की हमने आपको बताई थी, आपके बताई थी क्रिटिकल न्यूट्रल एक्सिस, एक आपकी बताई थी एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस। अब इस केस में आप देखोगे तो क्रिटिकल न्यूट्रल एक्सिस कैसे याद करोगे और एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस कैसे याद करोगे। तो हमने क्रिटिकल न्यूट्रल एक्सिस का आपने हमने आपको एक फॉर्मूला ड्रा करके बताया था, जो फॉर्मूला आता था आपका m सिग्मा सी बी सी प्लस सिग्मा एस टी इंटू डी। अब आपने देखा भी यहाँ पर इसने m मॉडलर रेशियो नहीं दिया है, तो m मॉडलर रेशियो भी आपको बताएगा सवाल में, किसका मॉडलर रेशियो आपको इतना मानना है। अब मॉडलर रेशियो आपको कितना मानना, मान लो कोई भी वैल्यू उसने दे दी m 13.33, इसने कोई एक वैल्यू दे दिया आपके, m 13 दे दिया, m 18 दे दिया, आपको m की वैल्यू इतना 13.33 दे दिया, मान लो आपको 18 दे दी, आपको कुछ कोई भी एक वैल्यू दे देगा। मान लो इसने आपने ये वालू वैल्यू दे दी, तो आप इसको क्रिटिकल न्यूट्रल एक्सिस को आप कैसे याद करोगे। तो आपको कुछ नहीं है, सीधा सीधा इसमें वैल्यू पुट करना है। आप देखोगे तो एम सिग्मा सी बी सी की वैल्यू तो आपको नहीं दिया है, लेकिन इसने इस कॉन्क्रीट इसमें जो यूज करी गई है उसका आपको ग्रेड दे दिया है, ग्रेड आपको M20 दे दिया। आप सिग्मा सी बी सी की जब वैल्यू याद करोगे तो इसमें फैक्टर ऑफ सेफ्टी से आप भाग दोगे। तो हमने आपको बताया था कि सिग्मा सी बी सी क्या है, ये आपकी परमिसिबल स्ट्रेस है बेंडिंग के केस में सिग्मा सी बी सी। तो इसमें आप इसे जब ज्ञात करोगे तो इसमें फैक्टर ऑफ सेफ्टी इसमें 3 यूज करोगे। बेंडिंग के केस में डायरेक्ट लोड की जब बात करता है तो इसमें फैक्टर ऑफ सेफ्टी हम 4 यूज करते। तो जब इसमें आप 3 यूज करोगे तो सिग्मा सी बी सी की वैल्यू सिग्मा सी बी सी M20 30 के कुछ 7 के आसपास आ जाएगी। तो हम सिग्मा सी बी सी की जो वैल्यू लेंगे 7 लेंगे, और Fe 250 के केस में हमने आपको बताया था कितना लिया जाता है 140 न्यूटन पर mm2, ये 7 न्यूटन पर mm2। तो इसकी वैल्यू जब आप यहाँ पुट करोगे तो एक्स सी को हम लिख सकते हैं, एम की वैल्यू दिया है 13.33, एम सिग्मा सी बी सी वैल्यू आप ज्ञात कर सकते हो 7 13.33 इंटू 7 प्लस 140। अब इसमें ये आपको डी आपको दिया है कितना 400। जब आप इसको कैलकुलेट करोगे तो ये आपका क्रिटिकल न्यूट्रल एक्सिस आएगा। तो आपको पेपर में कैलकुलेटर अलाउ होता है, तो आप इस इक्वेशन को इस कैलकुलेटर से जब आप सॉल्व करोगे तो आप देखोगे तो इसमें कितना आएगा,
मैंने इसको अपने किस कैलकुलेटर से जो इक्वेशन जब सॉल्व करी है तो ये आया है 159.97 mm। आप भी इस इक्वेशन को अपने कैलकुलेटर से सॉल्व करोगे तो आपकी वैल्यू अभी इतनी आएगी। ये आपकी क्या है, क्रिटिकल न्यूट्रल एक्सिस है। अब एक आपकी होती है एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस। अब इस एक्सिस को वैल्यू को आप यहाँ लिख लो, ये आपकी एक्सिस की जो वैल्यू आई है 159.97। अब हम बात करते हैं एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस की। तो एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस आप कैसे ज्ञात करते हो, ये भी हमने आपको बताया था। एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस ज्ञात करने के लिए जो आपने यहाँ पर एक एक्सिस मानी थी, यहाँ से ये आपकी एक्स जो हमने मानी थी, तब हमने आपको बताया था कि स्टील का इस एक्सिस के प्रति मूवमेंट और इस कॉन्क्रीट के ब्लॉक का इस का जो एरिया है इसके अबाउट मूवमेंट, तो वो इक्वेशन कुछ इस तरह से बन के आती थी हमारी बी एक्स स्क्वायर बाई टू एम ए एस टी डी माइनस एक्स। जब इसमें वैल्यू जब पुट करोगे तो बी की वैल्यू आपकी 200 है, एक्स हमें पता करना है, एम की वैल्यू 13.33 है, एरिया ऑफ स्टील चार सरियाँ हैं 16 mm की। तो जब इसको आप ए एस टी जब आप निकालोगे तो ए एस टी बराबर आएगा, कैलकुलेटर जब आप यूज करोगे इसमें, पाई बाई 4 इंटू 16 का स्क्वायर और चार सरिये हैं, तो ये आपका आ जाएगा 804.24 mm स्क्वायर। इतना आपका ए एस टी है। तो इसमें आप ए एस टी की वैल्यू पुट करोगे तो 804.24 डी आपको 400 दिया है, माइनस एक्स आपको ज्ञात करना है। तो अब इस इक्वेशन को जब आप सॉल्व करोगे तो यहाँ से एक्स की वैल्यू कुछ आएगी, इक्वेशन को आप सॉल्व करोगे जैसे, तो मैं इस इक्वेशन को सॉल्व करता हूँ, इसको आप सॉल्व करोगे तो ये आपका 100 आ जाएगा, तो 100 एक्स स्क्वायर इक्वल टू 13.33 इंटू 804.24 इंटू कोष्टक में 400 माइनस के एक्स। इक्वेशन सब जब सॉल्व करोगे तो इसकी वैल्यू आएगी आपकी 160.30। अब आप इस सेक्शन में आप देखोगे ये आपकी एक्स ए यानी एक्चुअल में न्यूट्रल एक्सिस आपकी यहाँ जा रही है। अब आप इधर को देखोगे, देखो एक्चुअल में इसकी जो वैल्यू है आपकी ये है आपकी 160.3 और एक्स की वैल्यू हमारी कितनी आई थी 159, यानी इसकी वैल्यू थोड़ा सा इससे थोड़ा सा ऊपर है, ज़्यादा ऊपर नहीं है, ये आपकी एक्स सी है। अब यहाँ देखोगे आपका एक्स ए ग्रेटर देन है एक्स सी के, इसका मतलब क्या हुआ आपका एक्स ए ग्रेटर देन है एक्स सी के, तो अब बताओगे ये सेक्शन हमारा ओवर रेनफोर्स है, ओवर रेनफोर्स यानी स्टील इसमें ज़्यादा पड़ा हुआ है। यदि आपकी एक्स ए की वैल्यू इसकी वैल्यू कम आती यानी यहाँ कहीं आती, ये वैल्यू यहाँ एक्स से आपकी यहाँ आ जाती तो ये आपकी दूरी जैसे बढ़ जाती है, तो जब ये दूरी बढ़ रही होती है तो इसका ये स्टील जो है इसमें कम होता है, तो ये आपका सेक्शन बन जाता अंडर रेनफोर्स। लेकिन इस केस में हम देखेंगे तो ये आपका सेक्शन कैसा है, हमारा ओवर रेनफोर्स सेक्शन है। तो यहाँ पर हमने आपको एक ही सवाल में हमने आपको दो सवाल बता दिए, ये आपका सेक्शन कैसा है, ओवर रेनफोर्स है या अंडर रेनफोर्स है, एक्स सी और एक्स ए क्रिटिकल न्यूट्रल एक्सिस और एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस कैसे ज्ञात की जाती हैं, ये हमने आपको बता दिया। यदि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें। बने रहें डीवाई एकेडमी पर।